हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज देखेंगे व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू राइट नाउ। आपको कोई ऐसा मैसेज है जो अर्जेंटली यूनिवर्स देना चाहते हैं। आई गॉट अ कार्ड ऑलरेडी। मैरी मैग्डालिनी, टीचर अवेकन्स, यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। अगर आप इस असमंजस में थे कि आप कुछ ऐसी कला जानते हो जिसको वर्ल्ड के साथ शेयर करने में आपको थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, एंड आई अंडरस्टैंड दिस फीलिंग, बिकॉज एज अ टैरो रीडर शुरू में मुझे कमिंग आउट ऑफ द स्पिरिचुअलिटी क्लोजेट वॉज डिफिकल्ट, एंड आई फेल्ट कि पीपल विल जज मी, व्हाट विल दे थिंक, शी इज़ द वूडू लेडी, मे बी दे विल ब्रांड मी विद सम नेम्स लाइक के यू नो द नेम्स, ओके। तो उस चीज़ से मैं भी डरती थी, बट आई थिंक आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, चीज़ों को समझते हो आप, आपके पास नॉलेज है, और आप ना आप अपनी एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा नॉलेज है। जैसे आपको कोई कह नहीं सकता कि इस एज में इस मतलब इतनी सी एज में ऐसी नॉलेज कैसे आ सकती है, किसी भी एरिया में हो सकती है। तो आपको अपना गिफ्ट शेयर करने के लिए कहा जा रहा है, ओके। अनदर मैसेज दैट यूनिवर्स वांट्स टू गिव यू राइट नाउ। गाइज, रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए अपना नाम एंड डेट ऑफ बर्थ ज़रूर शेयर करें, और रीडिंग पसंद आए तो लाइक भी करें। आई थिंक आपके थ्रोट चक्रा में इश्यूज हैं, ओके। यू आर अफ्रेड टू स्पीक योर ट्रूथ, क्योंकि मुझे बार 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 हिचकिचाहट हो रही है, अटक रहे हैं मेरे वर्ड्स, राइट। एनी अदर मैसेज यूनिवर्स वॉन्ट्स टू गिव यू राइट नाउ। दो कार्ड्स एक साथ आए हैं, राधा द सोल फ्लेम एंड आर्कएंजल माइकल ट्रस्टिंग द हेवेंस। ये जो आपका गिफ्ट है ना, ये कई जनरेशन से है आपके पास, और आपको ये काम करके बहुत हीलिंग मिलती है। चाहे आपके लिए ना ऐसा हो सकता है, आपके और आपकी फैमिली के लिए काम बड़ा अनकन्वेंशनल है, मतलब आपकी फैमिली डोंट अप्रूव ऑफ इट, उनको अच्छा नहीं लगता कि आप ये काम करते हो। बट मुझे क्या लग रहा है, ये जो इशू है ना, अगर फैमिली की तरफ से रेजिस्टेंस आ रहा है आपके गिफ्ट में, तो आपको आर्कएंजल माइकल हेल्प करेंगे, एंड ऑल्सो आर्कएंजल माइकल का मतलब है कि हेवेंस हेल्प करेंगे, मतलब ईश्वर हेल्प करेंगे, यूनिवर्स हेल्प करेंगे आपको। आप ना अपने कंसर्न्स जस्ट भगवान को बता दो, यूनिवर्स को, एंजल्स को, जिनमें भी बिलीव करते हो, उनके सामने जब आप पूजा अर्चना करते हैं उस वक्त अपनी कंसर्न बताएं, और फिर ऊपर वाले पे छोड़ दें। फिर ऊपर वाला अपने आप रास्ता निकालता है, चाहे वो ब्लॉकेज क्रिएट करता है वो भी भले के लिए ही है, और अगर वो रास्ता निकालता है तो वो भी भले के लिए ही है। तो फिर जो रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट करना है। सरेंडर का मतलब यही है कि आपने जो भी अपने इश्यूज थे, अपनी दुविधाएं थी, सब ऊपर वाले के चरणों में रख दी, और अब ऊपर वाला जो रास्ता दिखाएगा फिर आपको एक्सेप्ट करना है, फिर चाहे ऊपर वाला रास्ता क्लोज कर दे, वो आपके ही हाईएस्ट गुड के लिए होगा, चाहे आपको अभी समझ में नहीं आए, ठीक है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट मैसेजेस, अर्जेंट मैसेजेस दैट यूनिवर्स वांटेड टू गिव यू। और अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें फॉर फ्यूचर रीडिंग्स। और जोडियाक रीडिंग्स भी अपलोड की है मैंने चैनल पर, पिक अ कार्ड रीडिंग्स लेके आती हूँ, कलेक्टिव रीडिंग्स लेके आती हूँ, तो चैनल को ज़रूर चेक कीजिएगा कि कौन सी वीडियोज़ हैं, और क्या आपका फीडबैक है इस वीडियो को लेकर, इस रीडिंग को लेकर, वो भी शेयर कीजिएगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। टेक केयर, बाय बाय।